नमस्कार, मैं अजय किरेगवर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूंगा हम भारतीयों के चलता है अप्रोच पर। जी हाँ, हम भारतीय चलता है अप्रोच यानी चलता है के सिद्धांत पर बहुत विश्वास करते हैं। हमारे लिए सब कुछ चलता है। अगर हमारी कमीज का बटन टूटा हुआ है, चलता है। पैंट गंदी हो गई है, चलता है। अगर हमने टाई बांधी है पर ऊपर का कॉलर का बटन नहीं लगाया, चलता है। दो दिन से दाढ़ी नहीं बनाई है, चलता है। किसी के घर में जा रहे हैं, उसके घर की बिल्डिंग पर सीढ़ी चढ़ रहे हैं या लिफ्ट से उसके घर में जा रहे हैं, थूक आ गई, लिफ्ट में ही थूक दिया, सीढ़ी पर थूक दिया, क्यों? चलता है, कोई नहीं देख रहा है। सार्वजनिक स्थलों का तो हमने सत्यानाश कर दिया है गंदगी से, थूक थूक कर, क्योंकि चलता है। जो चलता है अप्रोच है, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है। इसने ना सिर्फ भारतीयों की बारे में एक गलत राय दूसरे देशों में बनाई है, बल्कि हम भारतीयों को खुद भी गंदगी में जीने का, किसी भी काम को बहुत ही परफेक्टली नहीं करने का एक आदत सी हमने डाल दी है, जिसका हमें कई बार बाहर में भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, अपने देश में भुगतना पड़ता है। मुझे याद है करीब 2.5-3 साल पहले मैं कुटान गया था, तो वहां की राजधानी थिम्पू में एक जगह मैं और मेरी पत्नी रोड क्रॉस कर रहे थे। दोनों तरफ 100-200 मीटर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई, रोड खाली थी। हम लोग क्रॉस करने लगे, पता नहीं कहां से टैक्सी वाला निकला, वहां छोटी छोटी टैक्सियां चलती हैं, वो टैक्सी वाले आगे अचानक आया, उसने देख के हम लोग काफी जोर से उसने देख के हम लोग को चिल्लाया। वो हिंदी में बोल रहा था, वो कह रहा था कि आप लोग यहां से रोड क्यों क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग आगे जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां पर रोड क्रॉस करिए। और हमें यकीन मानी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, काफी लज्जा महसूस हुई, क्योंकि हमें आदत भारत में है कि जहां भी अगर रोड खाली है, खाली नहीं भी है, ट्रैफिक है, तभी बीच में रोड क्रॉस कर जाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोको और रोड क्रॉस कर जाओ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, पर वहां पर हमारी वही आदत काम कर रही थी। हमने देखा दोनों तरफ रोड खाली है, कोई गाड़ी नहीं, हम रोड क्रॉस कर रहे थे, वो टैक्सी वाला अचानक बगल गली से निकला और उसने कहा कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करिए। और हमें शर्मिंदगी इसलिए हुई कि एक टैक्सी वाला हमें वो नसीहत दे रहा था जो हमें तथा कथित पड़े लोगों को मालूम होना चाहिए था। हमारे यहाँ लाल बत्ती पर आप देखेंगे लोग रोड क्रॉस कर जाते हैं, पैदल वाले और साइकिल वाले तो प्रायः लाल बत्ती का पालन नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि ये सिर्फ ऑटो के लिए है, कार के लिए है, गाड़ियों के लिए है। बल्कि मैंने देखा दूसरी जगह में, खासकर दूसरे देशों में और छोटे छोटे देशों में जो भारतीय भारत से बहुत आगे नहीं है, अग्रणी देश नहीं है, उसमें भी लोग लाल बत्ती पे खड़ा हो जाते हैं। हमारा एक चलता अप्रोच है, लाल बत्ती है तो गाड़ियों के लिए, पैदल वालों और साइकिल वालों के नहीं है। हमारे शहर रांची में आपको देखेगा लाल बत्ती पे गाड़ियां पुलिस के डर से खड़ी रहती हैं, पर जो लोग हैं वो लाल बत्ती में भी रोड को क्रॉस करते रहते हैं। हम हेलमेट कब पहनते हैं? जब पुलिस का डर होता है। आप देखा होगा लड़के बाइक पे चल रहे हैं, हेलमेट हाथ पर रखा हुआ है। रांची में तो हेलमेट हाथ में पहन के चलने की चीज बन गई है। जब क्रॉसिंग आता है या कहीं पर चौराहा आता है, जब हमें लगता है कि पुलिस वाला वहाँ खड़ा होगा या हमें मालूम है कि पुलिस चौकी है, तो फिर वो बच्चे या हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं, पार करने के बाद हेलमेट को फिर उतार देते हैं। तो हमारे जीवन में एक चलता अप्रोच आ चुका है, इसके चलते हम परफेक्शन नहीं कर पाते। इसलिए भारत बहुत आगे विकास नहीं कर पाता है, कोई चीज़ परफेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि हम परफेक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। कोई चीज़ को बहुत अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे डिज़ाइन से बनाना, बहुत सुंदर ढंग से बनाना, किसी चीज़ को बहुत करीने से रखना, अच्छे से रखना, ताकि उसकी उपयोगिता बढ़े, वो देखने में सुंदर लगे, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आप देखेंगे भारत में जो बिल्डिंगों के डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर नहीं होते हैं। हम सुंदर बिल्डिंगें देखने यूरोप जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जो जीवन में ये चलता अप्रोच है, इसको हम लोग त्यागें। मैं ये नहीं बोलता कि हमें मिस्टर परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, पर जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, जिससे अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, अपने आप को जो दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेबिलिटी, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका हम जरूर ध्यान रखें और चलता अप्रोच को नहीं अपनाएं। जिस चीज़ को हम जितने अच्छे ढंग से परफेक्शन से कर सकें, कोई भी काम को, कोई भी चीज़ को अच्छे ढंग से बना सकें, अच्छे ढंग से रख सकें, उसे हम कोशिश करें अच्छे ढंग से रखें। इससे हमारा अपना वो जब चीज़ें अच्छे ढंग से रहेंगी तो हमें भी अच्छी लगेंगी, हमें भी सुंदर लगेंगी, हमारा जीवन स्तर भी बढ़ेगा और हम अपने जीवन को ज़्यादा खुशमय और ज़्यादा सौंदर्यमय बना पाएंगे। धन्यवाद।